अगर कोरोना क्राइसिस के कारण आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार 24 महीने तक आपकी आर्थिक सहायता करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित 78 दिन का योगदान आवश्यक है, यानी बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत राहत के लिए क्लेम बेरोजगार होने के 3 महीने बाद देय है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ कर्मचारी जीवन में एक ही बार ले सकता है। यदि बीमित व्यक्ति एक बार सर्विस गैप के दौरान इस योजना का लाभ लेता है तो वह दोबारा नहीं ले सकता। बीमित व्यक्ति को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए। बेरोजगार व्यक्ति को ये लाभ उसके पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आप ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकी ब्रांच में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर पर नोटरी से एफिडेविट भी देना होगा। इसमें AB1 से लेकर AB4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाला गया है। इसके अलावा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें और इसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।